पंची चुनावों बीते कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन यही जी किड़ हैगी पिंड निकलती दिखाई नहीं दे रही। चाहे कोई पार्टी जीती हो हारी हो, दोवें जो घमासान जो बंद हों दिखाई नहीं दे रहा। तुम देख सकते हो तस्वीर में किस तरह जी रात है, थार थार जी गोलियां चलन की जी वारदात जी सामने आई है। लोहगढ़ के जी वारदात वापरी है, तो रत्ता खेड़ा पिंड की सरपंची लैके ये सारा बवाल होया भी जितने एक धिर जित गई एक हार गई है, लेकिन वो जी है भी खुशी भी कह सकते हैं या मातम है अजे खत्म हों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दोवें धिर किड़ इन्नी ज़्यादा हैगी है भी दोवें आपस में जो टकराए ने एक दूजे न रंजिश करते साफ तौर पर दिखाई दी है भी कह सकते हैं भी दोवे पार्टियां वालों जो झगड़ा वो सामने आया, दे गोलियां भी चलिया, तो तीन लोग जख्मी होने की गल सामने आई है जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। हम पुलिस इस गल की मामले की जांच करती पई है भी आखिर कहड़े लोग जिन्होंने वारदात को अंजाम दिता, जिन्होंने लड़ाई शुरू की, गोलियां चलाइया, तो भनतोड़ भी की गई। लोगों के काफ़ी सहम का माहौल है वो देखने को मिलता पाया, लेकिन एक बार कह सकते हैं भी सरपंची इलैक्शन भावें समा बीत चुका, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के जी आपसी रंजिश है वो घट होने का नाम नहीं लै रही, जिस करके गोलियां भी अजे भी चलदिया भनतोड़ भी सामने आ रही है, तो जिसे तीन लोग तो जख्मी होने भी जी खबर सामने आ रही है। हम पुलिस इस गल की जांच कर रही है, तो मामला दर्ज करने की तैयारी जुटी हुई दिखाई दे रही है। मेरा नाम सुखचैन सिंह है जी, मैं रत्ता खेड़ा बाजा कोतवाल का चुनिया सरपंच है। इस समय का गलबात मैं सर बंदे मेरी लेबर लगी हुई, मैं ना रोटी देने आया सी गड्डी से, मेरे ना सी बंदे चार मेरे फैमिली मैंबर सीगे, तो जो तो रोटी दे के असं खड़े इतने पाँच दस बार मिनट बाद ना कोई बंदे आए चार पाँच, वो मेरे हिसाब है तो साढ़े पिंड ही है, कोई सरपंची का माड़ा मोड़ होंगे ही वोटा का, तो उन्होंने को पिस्तौल भी सके रिवॉल्वर से कापे से ठीक है जी, तो वो चार बंद तो बाद होर बंदे आए पता नहीं किन्ने अणगिणती बंदे से, उदो जो गड्डी भी इन्हें आपकी आप भन्नी भुन्नी है, फिर वो जिमें भी है मोटरसाइकिल भी भन्ने इन्होंने, फिर मैं तो जिमें भी आपका दा लगा ही मैं आपके बंदे कटे बच बचा के, कोई इधर वाहन भजे हाँ इधर भजे हाँ वो भज नस के जिमें भी आपके बंद सेफ साइड किया, जिदे दो तीन बंद साढ़े सट्टा लगियां, तो हो सकता एक दे गोली गाली का भी शायद हो जाए, पर मैं हजे फिरोजपुर नहीं गया जी, जाके हम देखते हैं, तो बाकी इन्हों जे बंद सट्टा लगियां जो एक दे गोली की भी शायद दस पेंदी भी लगी है, थोड़ी लगी हो ज्यादा लगी हो, हम फिरोजपुर जावे देखा की गलबात है, तो इतने नजायज आके उन्हें धक्का किया जो कि इंसाफ सू चाहिए, सरपंची का ही कह सकते हैं सर सरपंची का ही कह सकते हैं। हाँ जी शायद पता नहीं मेरे मगर आए जो मेरे ना बंदे से उन्होंने मगर आए पता नहीं कि मगर आए हमला किया उन्होंने इतने फड़ किया मेरे को ठेकेदारी का काम ना इतने मंडी से हमला किया उन्होंने नजायज किया साढ़े ना जो भी किया इनकुआरी इंसाफ चाहिए जी, बंद ने गरीब बंदे गरीब परिवार के बंदे है मेहनत करते बेचारे परेशान करते पे इन्हों ये चीज का इंसाफ सू चाहिए जी। मेरा नाम रेशम सिंह जी, रेशम सिंह करते मैं लेबर का काम करता जी, गलबात गलबात यूं ही जी अस कंडा लाया सी, मैं सिलाई की जाना इतों गड्डी लैके आए ने, गड्डी लिया के आद्या सारे डंडे मारन लग पाए, वो मैं छुड़ाउन लग पाया उन्होंने, उदू बाद गए चले ने, उदू बाद गोलियां बंदे सद के इन्होंने गोलियां चला दतिया मोटरसाइकिल रंजित सरपंची जी है जी, सरपंची मतलब मुकाबले से खड़े सी, पिंड ने संयोग नाल जिता दिता वह हार गए ने, हाँ गोलियां चलाती उदू बाद मैं इतो जिन्ने मुंडे है सारे भिजा दिते, मैं कला रह गया, आके मुड़ के तोड़ भन्न कर लग पे सारी उधर उधर, मैं कोले खड़ा रहा वेखी गया, मैं जे इन्नी जरूरत है मेरे मारो गोली कोई विश्वास है जी, वाई फायर वाई फायर सीधे मारते रहे ने जी, हाँ बजिया जी एक मुंडे ने बजी है जी, जख्मी किन्ने ने, जख्मी तीन ने जी, एक का मोढ़ा टुट गया एक सिर च सट जी, मंग वो इंसाफ चाहिए, मुलाजम होके तो फिर भी मुलाजम एक मुलाजम सुरक्षा वास्ते होंगी दुनिया की, तो मुलाजम ये काम कर लग पे गुंडागर्दी वधनी वधनी, मुलाजम कौन है, मेजर सिंह जी एक दूजा गुरमेल सिंह जी एस आई ने, हाँ गड्डी उन्होंने इतने आप उन्हें भन्नी है, फिर जाके कैमरा जाके चेक करो कैमरे के अगे गड्डी आप फायर करते रहे, कैमरे के सारा कुछ रिकॉर्ड है, कारवाई यही कारवाई होनी चाहिए जो होंगी इंसाफ नजर चाहिए, मुंडे हालत कहो जी, मुंडे हालत बहुत माड़ी है जी, जी हूँ कन्न दबी दी नाल दी गोली लंघी है तुम्हें पता ही है, एक सिर से अस्पताल ने जी, नहीं ऐसे फिरोजपुर ने हाले था सिविल फरीदकोट करते रहो। मेरा नाम जगशीर सिंह है जी, जगशीर है कितने लगे हो,
ਮੰਡੀ ਲੱਗੇ ਲੋਗੜ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਘਰੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗਣਾ ਬਣੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਪੋਜਿਟ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵੀ ਰੇਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਕੜੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੁੰਡਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਬਈਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਜੇ ਆਏ ਕਾਂਬਲੀ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜੀ ਤੋਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡੰਡਿਆ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੰਜਕ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਘਸਰ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਟੰਬਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਤਰਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਯਾਰ ਅੰਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉੱਥੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ 500 ਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।